एक तरफ देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर केरल में जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को केरल में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 24 साल की महिला संक्रमित मिली है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि तिरुवनंतपुरम के 19 लोगों के सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इनमें से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर समेत 13 लोगों के संक्रमित होने का शक है। जानकारी के मुताबिक संक्रमित महिला तिरुवनंतम जिले के पारसलेन की रहने वाली है। उसका यहाँ के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसने 7 जुलाई को ही बच्चे को जन्म दिया है। महिला को बुखार, सिर दर्द और शरीर पर लाल चिकत्ते पड़ने के बाद 28 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टेस्ट के बाद महिला में जीका वायरस होने की पुष्टि हुई है। हालांकि महिला की हालत अब स्थिर है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।